तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों थोड़े हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर अपने फ़ोन में कोई भी सिम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों अगर अपने सिम को आप घर बैठे अगर उसको पोर्ट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों अपने सिम कार्ड को आप घर बैठे आप पोर्ट कैसे करेंगे, दोस्तों पोर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग होते हैं ऐसे जो कि अपने सिम कार्ड को पोर्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर दोस्तों शॉप पर जाते हैं वहाँ पर पोर्ट करवाते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि दोस्तों आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट किस तरीके से करेंगे, पोर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने सिम कार्ड को पोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करना है। दोस्तों जैसे अपने मैसेज बॉक्स को इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा 1900। सो दोस्तों आपको 1900 पे आपको मैसेज करना है, आपको मैसेज सेंड करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले नंबर जो आपको डायल करना पड़ेगा दोस्तों 1900 आपको डायल करना है। डायल करने के बाद में आपको सेंड टू 1900 पे क्लिक करना है। सो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट यहाँ पे मैसेज का ऑप्शंस होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा PORT। सो दोस्तों आपको पोर्ट लिखना, जैसे दोस्तों आप यहाँ से पोर्ट लिख देंगे तो आपको स्पेस देना, स्पेस देने के बाद में अब आपको अपने मोबाइल नंबर को आपको इस तरीके से इंटर करना पड़ेगा। दोस्तों अपने जिस नंबर को आप पोर्ट करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से डालना है। दोस्तों आपको सिंपल आपको लिखना है PORT मतलब पोर्ट, और आपको स्पेस देना, स्पेस देने के बाद में आपको अपने इस नंबर को डायल करना है, आपको अपने उस नंबर को नोट करना है जिस नंबर को आप पोर्ट करना चाह रहे हैं। दोस्तों जिस नंबर को आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट करना चाह रहे हैं उसके बाद में आपको सेंड SMS पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको जो SMS है 1900 पर सेंड हो चुका है। तो अब आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने दोस्तों एक मैसेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप इतना लिख करके आप टाइप कर देंगे, सेंड कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपके पास दोस्तों एक मैसेज आएगा। तो आपको यहाँ पे 2-3 मिनट आपको दोस्तों यहाँ पे एक आध मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम वेट करेंगे। सो फाइनली दोस्तों अब आपके फ़ोन पे इस तरीके से एक मैसेज ओपन होकर के आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से लिखेगा द यहाँ पे UPC फॉर योर मोबाइल नंबर। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर सो जाएगा और दोस्तों आपको यहाँ पे एक कोड सो जाएगा। सो दोस्तों इस कोड के थ्रू ही दोस्तों अपने सिम कार्ड को पोर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप इस कोड को अगर दोस्तों आप शॉप पर लेके जाते हैं तो दोस्तों आपका सिम कार्ड तुरंत ही पोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप वेट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप अपने घर पे उस कस्टमर को आप बुला सकते हैं और दोस्तों अपने सिम कार्ड को आप पोर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास सब कुछ सुविधा है, अगर दोस्तों आपके पास बायोमेट्रिक वाला मशीन है तो दोस्तों आप घर बैठे अपने सिम कार्ड को ही पोर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप खुद से पोर्ट यहाँ पे नहीं कर पा रहे, अगर आपको इस तरीके से कोड जनरेट हो चुका है तो दोस्तों आप शॉप पर भी जा करके अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवा सकते हैं। सो दोस्तों आपको जो भी प्रोसेस था बता दें कि अपने घर पर अपने सिम कार्ड को आप पोर्ट कैसे करेंगे। सो दोस्तों घर पर पोर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे दोस्तों बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो दोस्तों आपको शॉप पे ही जाना पड़ेगा। सो दोस्तों जो ये प्रोसेस हम आपको बता दिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।